दोस्तों सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। तो इस फोन को IP68 वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो हम अभी हमारे फार्म पर आए हैं, हमारे पीछे आप पानी का टैंक देख सकते हैं। तो उस टैंक में हम ये फोन डालने वाले हैं और हम इसमें 3-4 घंटे ये फोन रखने वाले हैं। और दोस्तों IP68 सर्टिफिकेट की बात करें 30 मिनट ही वो कहते हैं, पर हम इसमें अभी 3-4 घंटे रखने वाले हैं हमारा स्मार्टफोन। तो देखते हैं हमारा स्मार्टफोन में क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों अभी हम जाते हैं टैंक के पर। तो दोस्तों जाने से पहले हम अभी घड़ी पर देख लेते हैं कि कितने बजे हैं। तो 9:45 हुई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्मार्टफोन और ये रहा पानी। तो अभी हम फोन केस में चढ़ा देते हैं। केस में क्यों हम चढ़ा रहे हैं कि अंदर मोबाइल गिरे तब कहीं पर टकराए और स्क्रेचेस ना पड़े। और ये रहा हमारा फोन, देखिए दोस्तों हम फोन को अनलॉक कर देते हैं और पूरी तरह वर्किंग है हमारा फोन, देख लीजिए आप। शायद वहां से डिस्प्ले नहीं देखेगी क्योंकि अभी धूप बहुत है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोन और अभी हम डाल रहे हैं पानी में। तो अभी धीरे धीरे चला जा रहा है पानी में। तो दोस्तों पूरा फोन अभी पानी में चला गया है और धीरे धीरे अंदर, तो अभी 5 सेकंड बाद अंदर गया है। अभी हम 4 घंटे बाद हमारा फोन निकालेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा टैंक। तो इसकी गहराई है 11 फीट और इसकी पौड़ाई है 22 फीट। तो इतनी साइज का हमारा टैंक है। तो अभी हम इसके अंदर से मोबाइल निकालेंगे और अभी टाइम देख लेते हैं। तो 1:10 हुई है। 3 घंटों के ऊपर तो टाइम हो गया, 3:10 के आसपास हुआ है। तो अभी देखते हैं कि हमारा फोन वर्किंग में है क्या नहीं। तो अभी मुझे तो तैरना आता नहीं, तो अभी हमारे राम भाई निकालेंगे फोन को। तो दोस्तों अभी मोबाइल निकालने के बाद हमें इस टैंक में नहाना है। तो अभी राम भाई ये जो टायर का ट्यूब है उसमें हवा भर रहे हैं ताकि हमें तो तैरना आता नहीं। तो हवा भरने के बाद मैं, राम भाई और नितिन, तो हम तीनों नहाने पड़ेंगे इसमें। और राम भाई अभी मोबाइल निकालने के लिए जाएंगे। तो राम भाई क्या कहना, हमारा मोबाइल कैसी हालत में होगा, आपका क्या कहना? बस तो नितिन हमारे मोबाइल के बारे में क्या कहना, हमारा मोबाइल ठीक होगा क्या होगा? मोबाइल में वैसे तो डर नहीं है क्योंकि IP68 रेटिंग वाला है, पर अभी निकलने के बाद पता चलेगा क्योंकि ये कितने फुट का है ये टैंक। ये अभी इसका 11 फीट है, 11 या 12 फुट का बोल रहे हैं। अंदर की गहराई 11 फुट है और 22 फुट। निकालने के बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं फोन। तो नितिन का ऐसा कहना है कि ये निकालने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा टैंक और अंदर देखते हैं, मोबाइल अभी दिख भी रहा है। तो देखिए दोस्तों वो पड़ा हमारा मोबाइल, ये हमने जूम कर दिया है। तो वो पड़ा वो हमारा फोन है दोस्तों। तो अभी राम भाई इसको निकालेंगे। राम भाई फोन निकालने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए अंदर चले गए राम भाई और ये फोन हाथ में आ गया है, देखिए दोस्तों। तो अभी तो यही देखना है कि हमारा फोन स्टार्ट है कि नहीं। दोस्तों अभी हमारा फोन तो ऑन ही है और अभी हम फिंगर लगाकर ऑन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिंगर से ऑन नहीं होगा दोस्तों, इसमें पानी है उसके पर, इसलिए। तो अभी हम पिन लगा देते हैं। तो पिन हम आपको दिखाएंगे नहीं। तो ये ओपन हो गया है दोस्तों और देखिए ये ब्राइटनेस भी फुल ही है। तो देखिए हमारा फोन पूरी तरह वर्किंग है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों देखिए हमारा फोन अभी पूरी तरह वर्किंग है और हम इसका कैमरा ऑन करते हैं। तो ये रहा इसका कैमरा और हम इसका सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं। तो ये रहा इसका सेल्फी कैमरा। तो कैमरा भी पूरी तरह वर्किंग है। और कई लोगों की ये कंप्लेंट थी कि कैमरे के अंदर वो ग्लास के अंदर आ जाता है, पर वो भी नहीं है। देखिए दोस्तों हमें 1-2 कमेंट आई थी। तो ये एकदम परफेक्टली फ़ोन काम कर रहा है। और अभी इसका हम स्पीकर देख लेते हैं दोस्तों। साउंड के अंदर थोड़ा पानी है पर वो निकल जाने के बाद परफेक्टली काम करने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी टेस्ट करने में हम कामयाब हुए और फोन तो हमारा पूरी तरह वर्किंग है। और IP68 की बात करें तो IP68 में कंपनी ऐसा कहती है कि 30 मिनट पानी में रहना चाहिए और 1.5 मीटर अंदर रहना चाहिए, पर हमारा फोन तो अभी 11 फीट अंदर पड़ा था और पानी का दबाव भी एकदम बढ़िया है। तो राम भाई हमारा फोन परफेक्टली काम कर रहा है, तो क्या कहना आपका? बस सैमसंग नो तो काम करे ने भाई, 1,10,000 नो मोबाइल से।
तो राम भाई का ये कहना है कि 1,10,000 का फोन है तो ये पूरा वाटर प्रूफ ही होगा। तो दोस्तों हम वाटर टेस्ट करने में कामयाब हुए, तो अभी हमारा मिशन पूरा हुआ। और एक दूसरी बात करना चाहता हूँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड हैंड फोन लेते हैं, तो सेकंड हैंड फोन अगर आपने लिया 2-3 साल पुराना तो उसको आप वाटर प्रूफ ना समझिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि बिना कंपनी के कहीं पर भी ओपन हुआ होगा तो वो वाटर प्रूफ नहीं रहता है दोस्तों। तो खास ध्यान रखें दोस्तों। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, हमारी रमेश बोकोत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये हमारी रमेश बोकोत्रा व्लॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।